हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला। जैसा कि आपको पता ही है, मैं ओलंपियाड एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे की जाए वह बताती हूँ, साथ ही उसके टॉपिक्स को एक्सप्लेन करती हूँ और उससे संबंधित वर्कशीट लेकर आती हूँ। साथ ही हमारे चैनल पर आपको स्कूल सिलेबस से वर्कशीट तैयार करते हैं और ओलंपियाड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसको ध्यान में रखे जाते हैं। बेसिकली ओलंपियाड एग्जाम में स्कूल सिलेबस से ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उनके क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज हो जाता है। इससे पहले भी हमने मैथ्स में प्रैक्टिस सेट बनाकर डाले हैं, जिसे आप जाकर अवश्य देखें और अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं। साथ ही हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप हमें सुझाव भी दें कि उसमें और आप क्या चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 4। क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ऑन द ट्री? ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 96, ऑप्शन सी 55 एंड ऑप्शन डी 22। इस क्वेश्चन में हमें देखना है पेड़ पे जो नंबर्स दिए गए हैं वो हमारे ऑप्शन में किससे टैली करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 44। यह नंबर हमारे पेड़ में दिए गए नंबर से मिलता है और बाकी नंबर्स 96, 55 एंड 22 इस पेड़ में नंबर से मैच नहीं करता है। तो आंसर इज ऑप्शन ए 44। क्वेश्चन नंबर 2। द नंबर ऑफ द गिवन एबेकस इज, यहाँ पर एबेकस के पिक्चर्स दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है यह कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। ऑप्शन ए 6 tens 4 ones, ऑप्शन बी 4 tens 6 ones, ऑप्शन सी 6 tens 4 ones एंड ऑप्शन डी 2 tens and 4 ones। चलिए इसको हम समझते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 tens and 4 ones। ये हमारा एबेकस में जो गोल गोल राउंड है जिसे हम बिट्स कहते हैं, तो एबेकस हैज 2 bits एट द 10th place एंड 4 bits एट 1 place, हेंस द नंबर हैज 2 tens and 4 ones। क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज द स्मॉलेस्ट वैल्यू? इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है? ऑप्शन ए 40+2, ऑप्शन बी 40+9, ऑप्शन सी 50+12 एंड ऑप्शन डी 50+2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 40+2 = 42। चलिए इसको हम समझते हैं, ऑप्शन ए 40+2 = 42, ऑप्शन बी 40+9 = 49, ऑप्शन सी 50+12 = 62 एंड ऑप्शन डी 50+2 = 52। द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग 42, 49, 62 एंड 52, सो 40+2 = 42 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे 2 mangoes दिए गए हैं और जिसमें ये नंबर्स दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग हमें इन दोनों में डिफरेंसेस बताना है। 70-60 = क्वेश्चन मार्क। अब हम इसे माइनस करके देखेंगे कि क्या आता है। ऑप्शन ए इज 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30 एंड ऑप्शन डी 10। तो आंसर इज ऑप्शन डी 10, 70-60 = 10। क्वेश्चन नंबर 5। स्ट्रिप इज द लॉन्गेस्ट। यहाँ पे 4 strips दिए गए हैं, पी क्यू आर एस। हमें यह देखना है कि इसमें से सबसे लंबा स्ट्रिप कौन सा है। ऑप्शन ए क्यू, ऑप्शन बी पी, ऑप्शन सी एस एंड ऑप्शन डी आर। यहाँ पर हम देखने से हमें साफ पता चलता है कि ऑप्शन एस स्ट्रिप जो है सबसे लंबा है। तो आंसर इज हो जाएगा ऑप्शन सी, एस स्ट्रिप सबसे लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन इन कॉलम 1 विथ देयर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट गिवन इन कॉलम 2। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दो दिए गए हैं, जिसमें से हमें एक में पी क्यू आर इसमें ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं
और कॉलम टू में मेजरमेंट दिए गए हैं। इसे हमें देखना है कि कौन से ऑब्जेक्ट को किस चीज़ से मेजरमेंट किया जाता है। अब हम देखेंगे ऑप्शन पी शुगर। शुगर हम किससे मेजरमेंट करते हैं, लीटर में, किलोग्राम में या मीटर्स में। क्यू में हो गया डोर और आर में हो गया बकेट। तो इसको हम देखेंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा शुगर जो है किलोग्राम में हम मेज़रमेंट करते हैं, लेंथ ऑफ डोर को हम मेज़रमेंट मीटर में करते हैं एंड कैपेसिटी ऑफ बकेट इज मेज़रमेंट इन लीटर, इसको हम लीटर में करते हैं। तो सो पी का 2 हो जाएगा, क्यू का 3 हो जाएगा एंड आर का 1 हो जाएगा। तो आंसर इज ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7। इफ टुडे इज मंडे देन डे बिफोर यस्टरडे वाज। अब इसको समझेंगे, आज अगर मंडे है तो उसके पहले यस्टरडे के पहले कौन सा दिन है, नॉट यस्टरडे, यस्टरडे के पहले वाला दिन कौन सा दिन होगा। ऑप्शन है संडे, ऑप्शन बी सैटरडे, ऑप्शन सी ट्यूसडे एंड ऑप्शन डी फ्राइडे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सैटरडे। चलिए इसको हम समझते हैं, टुडे हमारा मंडे हो गया, यस्टरडे संडे हो गया एंड डे बिफोर यस्टरडे सैटरडे। सो डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मेनी मंथ्स ऑफ अ ईयर हैव 30 डेज। कितने मंथ में, ईयर्स में कितने ऐसे मंथ होते हैं जिनमें कि 30 डेज होते हैं। ऑप्शन ए 4। 4 मंथ्स ऑफ अ ईयर हैज 30 डेज विच आर अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। ये 4 मंथ है जिसमें डेज जो है 30 डेज के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। राइट द करेक्ट टाइम फॉर द क्लॉक सोन। यहाँ पर एक क्लॉक दिया गया है, इसमें हमें देखकर बताना है कि क्लॉक में कितना बजा है। 5:15, ऑप्शन बी 5:40, ऑप्शन सी 6:20 एंड ऑप्शन डी 3:20। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5:15, 5:15 इस क्लॉक में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। लुक एट द प्राइस एट इच आर्टिकल्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये 4 आर्टिकल्स दिए गए हैं, बैलून्स 3 रुपीज का है, पेंसिल 5 रुपीज, इरेजर 3 रुपीज एंड पेंट 10 रुपीज। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मच डू यू हैव टू पे टू बाई 1 इरेजर एंड 2 पेंसिल। यदि हमें 1 इरेजर और 2 पेंसिल्स खरीदना हो तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम समझते हैं, 1 इरेजर इक्वल टू 3 रुपीज और 2 पेंसिल इक्वल टू ₹5 + ₹5, 2 बार हमें 5-5 रुपीज पेंसिल्स के लिए देने हैं। तो टोटल नंबर्स ऑफ क्या हो जाएगा, 3 + 5 + 5 = 13। सो वी हैव टू पे ₹13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। मैच द शेप इन द कॉलम 1 विथ देयर नेम्स इन कॉलम 2। यहाँ पे कॉलम 1 में शेप दिए गए हैं एंड कॉलम 2 में उनके नेम दिए गए हैं जिसे हमें मैच करना है। ऑप्शन वन यह कौन सा शेप है, तो पी में ऑप्शन जो है स्क्वायर, पी इसका 2 हो जाएगा, क्यू हमारा सर्कल है इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, आर ये हमारा रेक्टेंगल शेप है ऑप्शन 4th एंड एस ट्रायंगल शेप है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम देखेंगे इसके इस तरीके से कौन से सीक्वेंस में ये सारे आंसर आ रहे हैं। तो ऑप्शन सी हो जाता है हमारा, पी का 2, क्यू का 3, आर का 4 एंड एस का 1। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये हमें एक बार आंसर हम इस तरह आपको स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल ये शेप अलग से आइडेंटिफाई आप बच्चे कर सके, इसको हम अलग से लिख दिए हैं। स्क्वायर इस शेप का होता है, सर्कल ऐसा बनता है, रेक्टेंगल इस शेप में आ जाएगा और ट्रायंगल इस शेप। क्वेश्चन नंबर 12। इफ दिस पिक्चर इज टू देन एंड देन पिक्चर क्या। यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग हमारा ये चेंज होकर इस शेप में चेंज हो जाता है, तो देन हमारा स्क्वायर एंड रेक्टेंगल पिक्चर चेंज होकर कौन से शेप में जाएगा।
चलिए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हमारा यह सर्कल के अंदर ट्रायंगल है जो चेंज होकर ट्रायंगल के अंदर सर्कल चला जा रहा है और सर्कल का शेप छोटा हो जा रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पे हमारा स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल हो जा रहा है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर का शेप छोटा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। यहाँ पर हम देख रहे हैं रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर हो रहा है और स्क्वायर की साइज छोटी। तो फ्रॉम टू द इनर शेप लार्ज एंड बिकम आउटर शेप, आउटर शेप रिड्यूस इन साइज एंड बिकम इनर शेप। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो हमारा लॉजिकल पर रहेगा। जनरली मैथ्स में या कंप्यूटर पेपर के कोई भी ओलंपियाड एग्जाम में आपको लॉजिकल एंड मेंटल रीजनिंग पूछी जाती है, जिससे एक हम एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं लॉजिकल एंड रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। नेक्स्ट वीडियो हमारा इस पर रहेगा जिसे आप देखना न भूलें। थैंक यू।